हम पढ़ेंगे आज ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है कि किसी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने एक यूनिट सेल को डिफरेंट पैरामीटर पर देखा और बताया कि टोटल सॉलिड में 7 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है और 7 टाइप के क्रिस्टल पॉसिबल है या स्पेस लैटिस पॉसिबल है और उसमें टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है जिसको हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल, तो ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं 14। अब हम देखते हैं क्रिस्टल का हम डिवीजन करते कैसे, क्लासिफिकेशन करते कैसे। हम क्रिस्टल को क्लासिफाइड करते हैं उसकी एज लेंथ, ये तीनों एज लेंथ है और उन एज लेंथ के बीच में एंगल से, ठीक है ना। अगर हमने इसको एक्स माना है, ये वाई, तो ये इनके बीच के एंगल हैं। तो हम एक यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं उनके बीच की एज लेंथ और उनके बीच के एंगल्स। तो ब्रेविस ने टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस डिस्कवर किए और उसमें से जो फर्स्ट टाइप का क्रिस्टल लैटिस होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल एक क्रिस्टल है जिसमें 3 टाइप पॉसिबल होती है और वो 3 टाइप सबसे पहली वाली 3 टाइप होती हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूब। क्योंकि क्यूब में सारी लेंथ बराबर होती है और सारी ही लेंथों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डायमंड, ठीक है, डायमंड, ZnS और NaCl। डायमंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को डायमंड की टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर याद होती है तो वो टेट्रागोनल को राइट कर देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल है जिसको हम कहते हैं रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल, ठीक है ना। तो जो रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर नीचे आप देख सकते हैं ऐसी होती, ठीक है ना। जो रोम्बोहीड्रल क्रिस्टल होता है उसमें भी तीनों लेंथ पॉसिबल बराबर होती, तीनों साइड बराबर होती है और इसमें एक सिंपल एक ही लैटिस पॉसिबल है, सिंपल क्यूबिक। लेकिन इसके अल्फा और बीटा एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन गामा एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ICL और NaNO3 जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। अब आए हम थर्ड सिस्टम पर, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में 2 यूनिट सेल पॉसिबल हैं और इस टेट्रागोनल में हमारे सामने ये है, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल में क्या होगा, हमारी दो लेंथ इक्वल होंगी एज लेंथ, लेकिन सी लेंथ इक्वल नहीं होगी, लेकिन तीनों के एंगल 90 डिग्री होंगे, तीनों के एंगल 90 डिग्री होंगे। और इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल SNO2 और TiO2 है। TiO2 को रूटाइल कहते हैं और मैंने इसको मेटलर्जी में बताया था कि ये टाइटेनियम का ओर है और SNO2 टिन का ओर है और मेटलर्जी में बताया था कि इसका ओर कैसेट राइट होता है, ओके। जो थर्ड है, फोर्थ है, वो है हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल एक ही टाइप का होता है, सिंपल SCC, जिसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। इसमें 2 लेंथ इक्वल होती है, ए और बी, लेकिन सी इक्वल नहीं होती। इसके सारे एंगल अल्फा और बीटा एंगल 90 के बराबर होते हैं लेकिन गामा एंगल इसका 120 के इक्वल होता है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा हुआ है। और इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में ये HGS, ये सिनाबार है जो मरकरी का ओर है, और AGI, 2 इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब आया हमारे पास फोर्थ क्रिस्टल। फोर्थ क्रिस्टल हमारे पास है ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल। ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल की ज्योमेट्री मैच बॉक्स के जैसी होती है, ठीक है ना। मैच बॉक्स को अगर आप इमेजिन करेंगे तो, और इसके चारों टाइप पॉसिबल है इसमें, BCC, FCC, SCC और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और इस सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पेपर में आने लायक है वो है मैच बॉक्स। अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्रिस्टल मोनोक्लिनिक की तरह। मोनोक्लिनिक के 2 टाइप पॉसिबल होते हैं ब्रेविस लैटिस के। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, अल्फा और गामा एंगल 90 का होगा लेकिन बीटा एंगल 90 का नहीं होगा,
ठीक है ना। और इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं इसको, Na2B4O7 10H2O, ये हमने 11th में पढ़ा है, इसको हम बोरेक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आया 7th क्रिस्टल जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल है, इसकी सिर्फ एक ही टाइप पॉसिबल है और इसकी कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होगी और कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होता, तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल होता है और ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती। और इसके तीनों ही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं, ये बोरिक एसिड है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और थर्ड है इम्पॉर्टेंट ब्लू विट्रियोल या फिर इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आज तक आए हैं वो ये है, किस क्रिस्टल में गामा एंगल 120 का होता है, किस क्रिस्टल में गामा एंगल 120 का होता है हेक्सागोनल, किस क्रिस्टल की सबसे ज़्यादा टाइप पॉसिबल है, तो ऑर्थोरॉम्बिक की चार टाइप पॉसिबल है, मैच बॉक्स किस ज्योमेट्री का होता है या किस टाइप का है ऑर्थोरॉम्बिक, कौन सा क्रिस्टल जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती ट्राइक्लिनिक, और ये तीन एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बार पूछे हुए। तो हम चलते हैं इन क्रिस्टल्स की शेप को देखने। हमने इन सारे क्रिस्टल्स को आपस में अटैच कर लिया तो टोटल 14 टाइप के हो गए और इसी को हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो हम देखते हैं क्रिस्टल्स की शेप और ज्योमेट्री। नॉर्मली इन पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये क्यूबिक क्रिस्टल है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री का होता है। जो सेकेंड क्रिस्टल है वो है हमारा कौन सा, टेट्रागोनल सिस्टम, इसमें दो साइड इक्वल होती है, मतलब ए और बी इक्वल होंगी लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है ना, और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। थर्ड है ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक की कोई भी साइड इक्वल नहीं होती लेकिन एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब आते हैं हम रोम्बोहेड्रल की तरफ। रोम्बोहेड्रल के तीनों साइड इक्वल होती है लेकिन इसका जो गामा एंगल होता है वो 90 नहीं होता। हेक्सागोनल क्रिस्टल में गामा एंगल 120 का होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और बच्चे को ये डेफिनेट आनी ही चाहिए कि किस क्रिस्टल में गामा एंगल 120 का होता है, ठीक है ना। फिर आया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक की कोई भी साइड इक्वल नहीं है और बीटा एंगल 90 का नहीं होता, और ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनस्टेबल क्रिस्टल है जिसमें कोई भी सिमेट्री और कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती है। तो ब्रेविस लैटिस पर मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि कितने टाइप के ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन कि टोटल कितने टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल पॉसिबल है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 7 क्रिस्टल है, तो 7 क्रिस्टल्स में 7 टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, जो नीट और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है।